से गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए जो प्रयास हमारी पार्लियामेंट सीट से हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी कर रहे हैं, और कितने धरने यहां पर हो चुके आप सभी गवाह हैं। आप सबने देखा होगा कि सरकार के जो सर्वे सर्वा केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने झूठ की नींव रखकर जो बिल्डिंग बनाई थी आज वो बिल्डिंग धराशायी हो रही है, और उसके एक एक मंत्री एक एक विधायक धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। करनी और कथनी का फर्क आप इस बात से मान लगा सकते हैं। बहनों भाइयों, ये लोग मुझे उस शायर का वो शेर याद आता है कि जमीन बेच देंगे जमा बेच देंगे, जमीन बेच देंगे जमा बेच देंगे, ये मुर्दों के सर का कफन बेच देंगे। कलम की सिफारिश बिक गई अगर तो ये वतन के आपके नेता वतन बेच देंगे, ये असल निकम्मे लोग हैं। बहनों भाइयों, जिस आदमी की बिल्डिंग झूठ के बुलंद पर बनी हो उस बिल्डिंग का धराशायी होना अति आवश्यक है। और आपने देखा होगा उत्तरी पूर्वी पार्लियामेंट सीट से हमारे भाई जो हमारे प्रभारी जी हैं गजेंद्र जी हमारे बीच जो बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और जिनके प्रयास से हम लोग धरने पर धरने इस सरकार के खिलाफ देते आ रहे हैं। लेकिन इस सरकार को कोई भी सुध नहीं है, केवल लूट कर रहे हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। मुझे वो तो नहीं याद है बहनों भाइयों, अखबार में जो आया था वो कल था, ये वाक्य जो हुआ था 1998 में हुआ था, और उसमें हमारे दोस्त के लड़के हमारे मोहल्ले के लड़के भी एक्सपायर हो गए थे। मुझे याद है वो दिन जब यहाँ पर स्कूल के ऊपर रेत कट रखा था और उसकी आड़ में जो बस गिरी थी उसमें बच्चे मरे थे, वो दिन आज तक हम भूले नहीं है। और उस टाइम शीला सरकार और दुनिया भर की और लोगों ने वादे जो किए, आज वो वादे आप सबके सामने खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारे देश के हमारे क्षेत्र के लोग, हम आपका ध्यान केवल इसलिए दिलाना चाहते हैं कि धरने पर धरने करने के बाद 459 करोड़ से जो बजट आज 2700 करोड़ पहुंच चुका है, बहनों भाइयों इसमें भी घोटाला नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये सरकार घोटाले पे घोटाले किए जा रही है, आने वाले दिनों में 3.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल का वक्त बाकी है। बहनों भाइयों, अगली बार जब इसका नंबर आएगा, जिस तरह से इसने कहा था कि मैं एक एक को जेल के अंदर डालूंगा, अरे केजरीवाल सरकार आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगला नंबर आपका आने वाला है। मैंने इसी बातों को आप सबके सामने पेश करता हुआ, आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जरा जोर से नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद।